जैसा मोबाइल देखा वो गया यार सामने गया। पानी है ना, पानी के बहाव पे फोन ऐसे ऐसे हो गया। ये गाड़ी आ जा रही है, बराबर हवा लग रहा है इधर। तो हेलो जी, अभी जितने भी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है वो हो रही है आईफोन XS के कैमरे से, और जो माइक है वो भी इसी फोन का अपना खुद का माइक है। 4 साल पुराना आईफोन XS अपनी जगह तो ठीक है, लेकिन 2023 में ही क्यों? मेरा पुराना फोन वीवो V20, उसको मैंने इस 4 साल पुराने फोन से रिप्लेस क्यों किया? उसके पीछे एक कहानी है और कहानी के पीछे एक रीजन है। लेट मी टेल यू व्हाई। दरअसल मैंने लास्ट वीक अपने फोन को खो दिया। मैं ऑफिस जा रहा था, बारिश बहुत ज्यादा हो रही थी, तो मेरा फोन मेरी जेब से स्लिप हो गया, पानी के बीच में गुम हो गया, मिला ही। पूरा दिन हो गया फोन को ढूंढते, मुझे बिल्कुल भी नहीं मिला। FIR कराई, सिम ब्लॉक करवाई, बहुत कुछ करवाया, कुछ कोई ऑप्शन नहीं मिला। तो फोन चाहिए था, कंफ्यूज हो रहा था कि कौन सा फोन लूं, फाइनेंस करवाऊं, पैसे नहीं थे। फिर सेविंग्स उठाई और इस फोन पर दे मारी। अब देखो, इस फोन को खरीदने के मेरे पास तीन रीजन थे। आज तक जितने भी फोन मैंने यूज किए हैं वो सारे एंड्रॉइड यूज किए हैं। एप्पल में मैंने आज तक कभी अपना हाथ नहीं आजमाया था। कभी भी मैंने आईफोन यूज नहीं किया है कि ऐसा हो ये फोन प्रॉपरली मेरा है, या फिर इसमें iCloud बना हुआ है, जो Apple ID बनी है वो मेरी बनी है। यहीं से बात आ रही है, तो iOS को मैंने एक्सपीरियंस कर रहा है, क्योंकि मैंने Android यूज किया है। Android का मेरे को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया था कि यार इसमें अगर कोई APK चलानी है, कोई फाइल इसमें इंस्टॉल करनी है, iOS का क्या सीन रहता है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने वो एक्सपीरियंस करना था कि भाई लोग बोलते ना कि iOS में तो ब्लूटूथ भी काम नहीं करता, ब्लूटूथ से आप फाइल शेयर नहीं कर सकते, आपको ये सब करना पड़ता, आपको मेल करना पड़ेगा, ड्राइव पे अपलोड करो, ड्राइव से फिर डाउनलोड करो, ये सब करना पड़ता। तो वो मैंने देखना था कि यार iOS का एक्सपीरियंस होता कैसा है। अब जब आईफोन ही लेना था तो मैं इससे ऊपर जा सकता था, जैसे 12 प्रो या फिर 13 प्रो। वो मैंने 12 प्रो तो अब डिसकंटिन्यूड हो गया है, 13 प्रो मैं ले सकता था, लेकिन वो चंडीगढ़ में फाइनेंस का ऑप्शन उसका था नहीं। मैंने हार्ड कैश देने आता था क्योंकि मेरे पास इतनी सेविंग्स नहीं थी। मैं फाइनेंस करवाना था लेकिन वो फाइनेंस हुआ नहीं। बस एक ही ऑप्शन बचता था, 10, 10S या फिर 10S Max। 10S Max की स्क्रीन बहुत ज़्यादा बड़ी थी, 10 के फीचर कम थे। अब मुझे दिक्कत यह आ रही है कि इससे पहले मैंने कभी भी iOS यूज नहीं किया है, तो क्विक शिफ्ट किया है मैंने एंड्रॉइड से iOS पे, तो मुझे हर एक चीज को देखने के लिए सेटिंग में घुसना पड़ता है, यूट्यूब में जाना पड़ता है कि भाई अब ये सेटिंग कहाँ से ऑन होगी। अभी तो थोड़ा यूज टू हो गया हूँ, लेकिन इससे पहले जब एक दो दिन हुए थे स्टार्टिंग के, तो भाई मैं बहुत खज्जल हुआ था कि कहाँ पे क्या करना है, बहुत मुश्किल आई थी मुझे। अगर कोई फाइल भी शेयर करनी है तो वो पहले ड्राइव पे अपलोड करो, फिर आगे शेयर करो उसका लिंक। तो ये छोटी छोटी चीजें करने के लिए ना बहुत नखरे मारने पड़ते हैं, पर मजा आता है। मजा सिर्फ इसलिए नहीं आता कि बाबा आईफोन है, आईफोन वो भी एक अपना एक शशका है, लेकिन जितने भी सारे पैसे है ना वो एक प्रीमियम नेस के है। अगर बात करें एंड्रॉइड की, तो यार 5,000 वाले में भी सेम है, 50,000 वाले में भी एंड्रॉइड सेम ही डलेगा, तो वो इतना कुछ आपको फर्क पता लगेगा नहीं कि 5,000 का यूज करो चाहे 50,000 का यूज करो। लेकिन जब आप आईफोन यूज करते हो तो उसके बाद आपको जो एक्सपीरियंस देखने को मिलता है, वो उसके बाद आप कोई एंड्रॉइड फोन यूज करने में मजा नहीं आएगा, इतना मैं फॉर श्योर कह सकता हूँ आपको। कैमरे के तो भाई अपने ही गेम्स चले होते हैं इसके, अपने अलग ही लेवल पे काम करता है इसका कैमरा। अभी आप देख लो क्या भाई फ्रंट कैमरे की क्वालिटी है, ये आज तक नहीं आई है मेरे वीवो के फोन में, आज तक ऐसी क्वालिटी नहीं आई इतनी लो लाइट में। लेकिन एक बात बोलिए भाई, अगर मेरा फोन घूमना हुआ होता तो शायद ही मैं इस फोन को यूज करता, शायद ही मुझे जरूरत पड़ती एक आईफोन लेने की। पड़ सकती थी बाद में शशके के लिए मैं अगर रख लेता, लेकिन प्राइमरी डिवाइस मेरा वही रहता वीवो। उसके साथ ना मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है, मैंने एक भी स्क्रैच नहीं आने दिया। जरा सा भी स्क्रीन पर कुछ स्क्रैच आता था मैं उसी टाइम नया स्क्रीन गार्ड डला देता था, और मेरे नेफ्यू का फिंगरप्रिंट लगा था मेरे फोन में। तो ये जो छोटी छोटी खुशियां थी ना, ये रिप्लेस करना मुश्किल होता है। ऐसा मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि यार ये दोबारा नहीं कर पाएंगे, कर लेंगे, ऑब्वियसली कर लेंगे, और भी अच्छे तरीके से इस फोन को रखूंगा, लेकिन फर्स्ट लव इज फर्स्ट लव, और मे बी फर्स्ट लव इज लास्ट लव, बस वो बात है। तो ये तो थी कहानी कि ये वाला फोन आया कैसे। अब द मेन क्वेश्चन इज कि इस फोन के साथ हम करेंगे क्या। एक और अपडेट है, जब मेरा फोन गुम हुआ था तो उसी के साथ मेरे ग्लव्स भी गुम हो गए थे, तो मेरे पास कोई ग्लव्स नहीं है। और अब ऐसा है, मुझे ना असेंशियल लगता है यार ग्लव्स होना, अब ग्लव्स के बिना मुझे मजा नहीं आता। जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो ग्लव्स मेरे साथ होते ही होते हैं, ट्रेनिंग तो चलो अलग बात है, लेकिन वो फील नहीं आती। वो अभी ग्लव्स देखने जा रहे हैं, कोई ग्लव्स पसंद करेंगे। हेलो जी, एक बहुत बड़ी अपडेट ये है कि मेरा इंस्टाग्राम हैक हो चुका है। जब मेरा फोन गुम हुआ था तो मेरे इंस्टाग्राम का पासवर्ड उसी में सेव था, मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है उसको वापस लाने का, क्योंकि मुझे पासवर्ड पता नहीं है। 2-स्टेप वेरिफिकेशन करके देख लिया, फेसबुक से भी ट्राई करके देख लिया, नंबर से, ईमेल से, ईमेल तो आई नहीं रही, नंबर पे भी OTP नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या रीजन है। बोल रहे हैं कि ये अकाउंट 22 साल से नीचे नहीं देख सकता कोई भी, #SaidLife। तो मूव ऑन करने का वक्त आ गया है। अब यार इतनी छोटी सी जिंदगी में मैं कितनी बार मूव ऑन करूंगा।
है, दिस इज माय न्यू आईडी, ऑफिशियल पर्सनल एक ही है। और साथ ही एक गुड न्यूज ये है कि मेरे यूट्यूब के 1K सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। शो ऑफ देख रहे हो गाइस, शो ऑफ गुड सीन्स। सो हियर इज द लेटेस्ट अपडेट। सुबह के 4 बजे हम शिमला पहुंच तो गए हैं। बारिश इतनी हो रही है, कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा मुझे जाने के लिए। मैं स्कूटी पे इसलिए नहीं आया क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बस में ही आ रहा हूँ, लेकिन अब पता लग रहा है कि भाई कोई भी सोर्स नहीं मिल रहा सुबह 4 बजे। आई थिंक पैदल ही जाना पड़ेगा घर तक, जो होगा 3-4 किलोमीटर होगा आई गेस। कृपया हॉर्न ना बजाएं। क्या दवाई फिर? और ना भाई के साथ एक लोचा हो गया, जब तक टाली से बैठा तो सीट नहीं मिली। सोलन में आके जब सीट मिली तो थक गया था, सो गया। जब उठा तो अपने स्टेशन से 3-4 किलोमीटर आगे ISPT में उतरा, और जब उतरा तो पैदल आ रहा हूँ बारिश में, और पानी ना है। मतलब खाने के लिए भाई ने ये ले लिया, 2 पैकेट और है, पानी नहीं लिया गया मेरे से। प्यास इतनी लग रही है और ये खा के और प्यास लग रही है। पूरा जॉन विक बना हुआ है कि बारिश में चलते जा रहा हूँ। एक्सकम्युनिकाडो लगा हुआ ऐसा लग रहा है, पर मज़ा आ रहा है ऐसे सफ़र करने का। काफ़ी टाइम के बाद ना मुझे कुछ ऐसा फील हो रहा है कि मैं कुछ एडवेंचर कर रहा हूँ, वरना वही डेली रूटीन में फंसे हुए थे कि रूम से ऑफिस, ऑफिस से रूम, खाना, सो जाना, फिर अगले दिन फिर वही। मैं चला था आई थिंक 11:30 बजे चला था 43 से, और अभी 5 बजे ऑलमोस्ट मैं अपने एरिया के आसपास पहुंचा हूं। सुख चैन नींद, जो मेरी इंस्टाग्राम आयो है वो तो भूल जाओ अभी इस टाइम। टेक नंबर 3, वी हेयर वी होम आफ्टर 1.5 आवर। लगभग 1.5 घंटे के बाद मैं अपने घर पहुंच गया हूं। अब बारिश खत्म हो गई है, बंद हो गई, लेकिन मौसम बहुत प्यारा है भाई। मोहाली चंडीगढ़ का मौसम तो ऐसा है ना कि आपको चिपचिपी सी फील होती है। यहाँ पे ठंडक है, यहाँ पे सुकून है, यहाँ के मौसम में बहुत अच्छा फील है, वाइब है एक। तो अभी तो भाई सोने जा रहा हूँ, मेरे को बहुत भयंकर नींद आ रही है। तो हेलो जी, क्या हाल है? बहुत दिनों के बाद अपने पुराने सेटअप से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि घर आया हूँ। अपने घर आया तो पुरानी वीडियोज भी मैं यहीं से शूट करता था, तो इस बार भी सोचा मैं एक वीडियो यहाँ से शूट करके देखते हैं। और काफी दिनों के बाद कुछ ऐसा 1-to-1 शूट कर रहे हैं, तो ये देखना था कि कॉन्फिडेंस की क्या सीन है। तो कॉन्फिडेंस की भारी मात्रा में कमी दिखती हुई नजर आ रही है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि यार कैमरा उठा के बोल दे व्हाट इज अप गाइस, क्या हाल है, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग्स, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ी सी शर्म आ रही है बात करने में, लेकिन कोई बात नहीं, कोई टेंशन नहीं। रिकवर करने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, लेकिन होगा जरूर। जैसे ही लाइफ ट्रैक पर वापस आएगी तो हम भी जय बजरंग बली बोल के कूद पड़ेंगे मैदान में। ये फोन मैंने वीडियोज की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए ही लिया है, तो आप कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो की क्वालिटी कैसी है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आपसे मिलते हैं नई वीडियो में, या फिर नए व्लॉग में, या फिर नए किसी चीज के रिव्यू में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हस्ता ला विस्ता, अपना ख्याल रखिए। भाई का सपना पूरा हो गया, AC वॉल्वो बस मिल गई वापसी के लिए। मैं आने के लिए भी कोशिश कर रहा था पर बस नहीं मिली थी, तो अब वापसी के लिए मुझे AC वॉल्वो बस मिल गई है। फर्स्ट टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ। छोटी छोटी खुशियाँ।